अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके अपने चैनल पाकिस्तान जॉब सीकर में आप सबको वेलकम करती हूँ। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, स्कॉलरशिप अपडेट्स, यूनिवर्सिटी एडमिशन अपडेट्स सब कुछ आपको चैनल पर मैं देती रहती हूँ डेली बेस पर। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। आप लोग ट्राई करें इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की। तो आज मैं जो अभी उनके लिए अपडेट्स लेकर आई हूँ वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से हैं, जो कि कंटिन्यू स्टूडेंट्स के एडमिशन के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेश्चन थे कि जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं जिनका सेकेंड सेमेस्टर अभी चलेगा, वो उनकी एडमिशन के क्या प्रोसीजर हैं। तो कंप्लीट डिटेल वीडियो में आपको बताई जाएगी। ये जो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर शेयर कर रही हूँ वो आप रीड कर लीजिएगा। मैं ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये ली है, तो वो डिटेल आपके साथ शो हो रही है। आप इनको लाजमी रीड करें और साथ में वीडियो के एंड में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कैसे करना है, ताकि आप जो है विदाउट आपको मुश्किल हुए आप जो है एडमिशन अपने कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि हम जब एक बार एडमिशन लेते हैं तो आपके जो है सेकेंड सेमेस्टर थर्ड फोर्थ में आपको दोबारा से इस तरह एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आपने फ़ीस सबमिट करना होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक तरफ से यही होता है कि आपने फ़ीस सबमिट करना होता है, लेकिन इनके जो है आप अपने LMS पोर्टल पर जाकर, अपने डैशबोर्ड पर जाके आपने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजर कर आपने फिर आपकी वो फॉर्म जनरेट होगी, फिर उसको आपने बैंक में, रिक्वायर्ड बैंक में, या आप JS कैश, ईजी पैसा और यू पैसा के थ्रू आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं कि कैसे करना है, हमने एडमिशन नहीं होता, एक तरफ से आपका एडमिशन हुआ होता है, आपने उसको फ़ीस आपने देनी होती है, उसकी एक स्टेप होती है। तो इसी को कहते हैं कि आपने कैसे एडमिशन करनी है। तो वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने रिटर्न फॉर्म में भी दिए हैं, साथ में आपको कंप्लीट बताऊंगी भी। वो आप वीडियो एंड तक जब आप मेरे साथ रहोगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो होपफुली आपने ये इंस्ट्रक्शंस जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ली हैं आपने रीड कर लिए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। आपको कोई मुश्किल होगी तो आपको सारा कुछ जो है यहाँ पे बताया गया है, साथ में आपको आगे मज़ीद डिटेल बताऊँगी। ये आप गौर से सुने। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने LMS पोर्टल पर जाकर, आप अपने डैशबोर्ड में जाके आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन खोलनी है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप स्टूडेंट इनरोलमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर स्टेप थ्री में आप जब एकेडमिक लेवल के ऑप्शन पे आप आएंगे और फिर आपने वहाँ पे अपनी सेमेस्टर को सेलेक्ट करनी है। सेमेस्टर आपकी टू होगी क्योंकि आप कंटिन्यू एडमिशन अपनी कंटिन्यू एडमिशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और स्टेप फोर में आपने एड न्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है सब्जेक्ट कोर्स जो है सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसमें जो लाजमी होंगे ना वो खुद सेलेक्ट किए हुए होंगे, आपने सिर्फ जो इख्तियारी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है। ये स्टेप फाइव तक आप कंप्लीट करें। उसके बाद स्टेप नंबर सिक्स में हम क्या करेंगे, जब आपके सब्जेक्ट्स जो हैं किताबें सेलेक्ट हो जाएंगी तो वो ऐड कोर्स के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सब्जेक्ट्स आपके फॉर्म में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद फॉर्म पर किताबों की और फीस की तफसील आपको मिल जाएंगी, जिसको आपने कंफर्म करके सबमिट के बटन पर आपने क्लिक करनी है। उसके बाद स्टेप नंबर सेवन पर आपको, जब आपकी फॉर्म सबमिट हो जाएगी, आपको प्रिंट इनवाइस का बटन आ जाएगा, आपने वहाँ पे क्लिक करके चालान डाउनलोड करनी है और चालान को आप जो है बैंक में UPL बैंक में ईजी पैसा जो इसके थ्रू अपनी फ़ीस पे करें, और आपको कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका कोई 15-20 दिन बाद आपको आपके एडमिशन कंफर्म हो जाने की मैसेज आ जाएंगी। चेक करने के लिए आप एकेडमिक रिकॉर्ड में जाकर कोर्स हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको कंप्लीट समझ आई होगी। अब एडमिशन को कंटिन्यू करने में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर कोई मुश्किल है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।